नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरंडक श्रावकाचार ग्रंथ का यह स्वाध्याय वीर शासन जयंती पर उद्घाटित हुआ और यहाँ कारकल नगरी में वर्षा योग की वेला में आज दूसरे दिन इसका दूसरा काव्य है। अथ प्रथम काव्य में श्री वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार किया था, जो समवसरण और अंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी के स्वामी हैं, जो पापों का विनाश कर चुके हैं और जो अलोक सहित त्रिलोक को केवल ज्ञान से दर्पण की भांति प्रकाशित करते हैं, उनको जानते हैं, प्रतिफलित करते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में ये कहें कि उन वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। अथ तन नमस्कार करणानंतरम किं कर्तुं लग्नो भवान इत्याह। अब चलो, आचार्य समुद्रभद्र स्वामी ने इष्ट नमस्कार मंगलाचरण के रूप में किया, तदनंतर अर्थात उसके उपरांत अब वो क्या करने वाले हैं? नमस्कार तो कर लिया, अब क्या करेंगे? तो उन्हीं से पूछा कि आप अब इसके आगे और क्या बतलाने वाले हैं? तो आह, आचार्य कहते हैं, देशयामि समीचीनम धर्मं कर्म निबर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। आचार्य कह रहे हैं कि मैं कर्म निबर्हणम धर्मम समीचीनम धर्मम देशयामि, मैं कर्मों का विनाश करने वाले, कर्म बंधन को तोड़ने वाले समीचीन धर्म की देशना करता हूं। कैसा है वो धर्म? तो यो, जो संसार दुखतः, संसार दुख से सत्वान उत्तमे सुखे धरति, प्राणियों को उत्तम सुख में धर देता है, धारण करता है, स्थापित कर देता है। तो आचार्य महाराज ने इस काव्य में, इस द्वितीय काव्य में एक संकल्प किया है, ये प्रतिज्ञा सूत्र कहलाता है। पहला मंगल सूत्र था, अब ये दूसरा प्रतिज्ञा सूत्र है। प्रतिज्ञा सूत्र में विशेषता ये होती है कि जो भी ग्रंथ करता है वो संकल्प करते हैं कि इस ग्रंथ में हम क्या करने वाले हैं। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट कर दिया कि मैं समीचीनम धर्मम देशयामि, समीचीन धर्म की देशना कर रहा हूं। कैसा है वो समीचीन धर्म? कर्म निबर्हणम, संसारी प्राणियों का जो कर्म बंधन है उसको नष्ट करने वाला है। और कैसा है? कर्मों को नष्ट कर देगा धर्म, फिर उससे क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, कर्मों का नाश होगा और जो यो संसार दुखत, संसार के दुख से सत्वान यानी प्राणियों को निकालकर उत्तमे सुखे धरती, उत्तम सुख में
स्थापित कर देता है। ऐसे धर्म की मैं देशना कर रहा हूं, अर्थात मैं उस धर्म का उपदेश कर रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि थैवं विदन् धर्मस्वरूपताम् कानि प्रपद्यन्त इत्याह। अब वो कौन से अंगोपांग है या कौन से अवयव है जो धर्म की स्वरूपता को प्राप्त होते हैं, अर्थात वो कौन से गुण हैं अथवा कौन सी विशेषताएं हैं जिनके होने पर ये कहा जा सकता है कि हाँ ये धर्म है। धर्म के बारे में 10 लोग 10 बातें कर सकते हैं। कोई कहेगा कि मानवता ही धर्म है, कोई कहेगा माता पिता की सेवा ही धर्म है, कोई कहेगा कि श्रद्धा ही धर्म है, कोई कहेगा कि ज्ञान ही धर्म है, कोई कहेगा कि चारित्र ही धर्म है। सब अपने अपने ढंग से वर्णन करेंगे, लेकिन आचार्य समंतभद्र स्वामी जिस धर्म को कह रहे हैं, जो संसार के दुख से जीवों को निकालकर उत्तम सुख में स्थापित करता है और जो कर्मों का क्षय करता है, वो धर्म कौन सा है? अपन ने सबने सुना है वत्थु सहावो धम्मो खमादि भावो यदस्विहो धम्मो रैणत्यंच धम्मो जीवाणम रक्षणम धम्मो। अलग अलग परिभाषाएं हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में एक गाथा आई है जिसमें लिखा है कि वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। अब वस्तु का स्वभाव जो धर्म है वो तो सभी के पास है अनादिकाल से, और अनंत काल तक वो धर्म तो रहना ही है। तो वो जो धर्म है वो गुण धर्म कहलाता है। जिस वस्तु का जो चेतन है तो उसके पास चेतना उसका धर्म है, अचेतन है तो फिर उसका जड़त्व धर्म हो गया, आकाश का अवगाहनत्व हो गया। तो उन धर्मों से क्या कर्म नष्ट होंगे? क्या वस्तु स्वभाव से कर्म नष्ट होता है? वो तो वस्तु स्वभाव तो अभव्य जीव के पास भी है, मिथ्या दृष्टियों के पास भी है, एक इंद्रियों के पास भी है, संसार के समस्त जीवों के पास वस्तु स्वभाव है। तो वो वस्तु स्वभाव रूप धर्म कर्मों का क्षय नहीं करता, एक बात। फिर दूसरी बात क्या थी? क्षमादि भावो या दसविहो धम्मो, क्षमादिक जो भाव होते हैं 10 प्रकार के वो भी धर्म है। तो 10 प्रकार का धर्म है बोले, उत्तम क्षमा धर्म, उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम आर्जव धर्म, फिर उत्तम सत्य धर्म, उत्तम शौच धर्म, उत्तम संयम धर्म, उत्तम तप धर्म, उत्तम त्याग धर्म, उत्तम आकिंचन्य धर्म और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। तो इनसे, इन 10 धर्मों से क्या उत्तम सुख में जाना संभव है? इन 10 धर्मों से क्षमादिक जो 10 धर्म बताए हैं, क्या इन 10 धर्मों के माध्यम से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है या और कुछ होता है? तो उसका उत्तर अपन अपनी बुद्धि से देंगे, या फिर सुनी सुनाई बात अगर अपन बोलना चाहेंगे तो फिर अपन बोल सकते हैं कि हाँ इनसे भी मोक्ष मिल जाता है। तो वो उसका ऐसा बोलने का कारण यही है कि आपने ऐसा सुन रखा है। आगम क्या कहते हैं इसकी जानकारी न होने के कारण ये कहा जा सकता है कि 10 धर्मों से मोक्ष मिलता है। साक्षात मोक्ष की प्राप्ति क्या 10 धर्मों से मिलती है? ये प्रश्न है। क्रम से मिलता है वो ठीक है, लेकिन क्या 10 धर्मों का पालन करते हुए कोई भी आज तक मोक्ष गए हैं? 10 धर्म सविकल्प अवस्था में होते हैं या निर्विकल्प अवस्था में?
या दोनों में? तो आचार्यों के जो वचन हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। इस पर प्रायः चर्चा नहीं हो पाती, पर यह महत्व की बात है कि संवर के 57 भेद हैं। जैसे आश्रव के 57 भेद होते हैं ना, 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति और 15 प्रमाद, 25 कषाय और 15 योग। तो ये सब मिला करके गिनती करो आप, कितने हो रही है? 57। ये आश्रव हो गए, 57 आश्रव। संवर के भी 57 भेद हैं। कौन से 57 भेद हैं? सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परेशह जय चारित्रयी ही। अब देखो इसमें 57 भेद कैसे निकलते हैं। गुप्तियां कितनी होती है? 3, ठीक है ना, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। फिर समितियां कितनी होती है? 4 समिति, महामस्तकाभिषेक समिति, महिला समिति, बाल समिति। ये समितियां लौकिक है, और यहां जो चर्चा हो रही है ये संवर के प्रकरण में पारलौकिक समितियों की बात है। आत्मकल्याण में सहायक जो समितियां उनकी चर्चा है, जो संवर में साधन भूत है उनकी चर्चा है। तो वो कौन सी समितियां? ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापना समिति। ये 5 समितियां। तो गुप्ती समिति 3, 5, 8 हो गए। इनको अष्ट प्रवचन मात्रिका कहते हैं। अब 57 तक के अपने को जाना है तो और आगे बढ़ाते हैं यात्रा। सगुप्ती समिति धर्म, धर्म 10 है ना, तो फिर 10 जोड़ दो तो 8 और 10, 18, ठीक है। फिर धर्मानुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा 12 है, अनित्यादि, तो 18 में 12 जोड़ दिया है तो कितने हुए? 30 हो गए। फिर परेशह जय 22 है, तो 30 में 22 जोड़ने पर 52 या कम ज्यादा 52, ठीक है ना। और 5 प्रकार के चारित्र हैं, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ये 57 संवर के भेद हैं, ठीक है ना। तो संवर के भेदों का जब व्याख्यान आता है शास्त्रों में तो वहां पर 10 धर्मों का वर्णन करते समय आचार्य कहते हैं कि सबसे पहला तो उपाय संवर का गुप्ती है। 3 गुप्तियां, एकदम मौन हो जाओ, मन को शांत कर लो, शरीर को भी एकदम, मां चिट्ठ, मां जंप, मां चिंत, कुछ मत करो, शांत गुप्ती में चले जाओ। त्रासमर्थस्य प्रवृत्ति प्रदर्शनार्थम समिति रुच्यते। पर ऐसा कब तक संभव है कि आप एकदम गुपचुप बैठे रहो? अधिक समय तक संभव नहीं है। तो फिर उसमें जब असमर्थता आती है तो फिर प्रवृत्ति में आना पड़ता है। ये निवृत्ति थी तो प्रवृत्ति में जाने के लिए समिति। 5 प्रवृत्तियां सभी लोग करते हैं
तो साधु भी जब वो प्रवृत्ति करेंगे तो इति का अर्थ प्रवृत्ति है और सम इति का अर्थ होता है सम लग गया उसमें समीचीन प्रवृत्ति। तो साधु जब करेंगे तो वो समिति रूप प्रवृत्ति होगी। वो कौन से प्रवृत्तियां हैं? ईर्या, चलते समय देखकर चलेंगे, बोलते समय संभाल कर बोलेंगे, भोजन के समय शोध कर लेंगे, फिर कोई भी चीज रखते समय उठाते समय मार्जन करेंगे और मलमूत्र का विसर्जन करते समय अहिंसा का पालन करेंगे, जीव रक्षा का ध्यान रखेंगे। तो ये पांच समितियां हैं, गुप्ती और समिति। गुप्ती निवृत्ति है और समिति प्रवृत्ति है, इतना स्पष्ट हो गया। इसके बाद जब धर्म की बारी आती है तो आचार्य कहते हैं कि समिति शुभ प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म वचनम। बहुत समझने की बात है, न जाने क्यों ये बात कभी सामने नहीं आती और क्षमा पर बड़े लंबे चौड़े व्याख्यान हो जाते हैं, मार्दव पर व्याख्याएं हो जाती है, आर्जव पर उपदेश हो जाते हैं, शौच सत्य का व्याख्यान हो जाता है, फिर संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य पर विवेचन हो जाते हैं और विवेचन करते करते वो विवेचन व्यवहार से निश्चय में चले जाते हैं। जबकि ये कथन बिल्कुल भिन्न है। यहां पर सत्य धर्म में वो परम सत्य जो मौन रूप होता है वो है ही नहीं, यहां बोलने वाला सत्य धर्म है। क्या कह रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी? समितिषु प्रवर्तमानस्य प्रमाद परिहारार्थम धर्म वचनम। समितियों में जो प्रवृत्ति कर रहे हैं साधु उनके प्रमाद न हो जाए, प्रमाद का परिहार करने के लिए, प्रमाद छुड़ाने के लिए धर्म है। तो सीधी सी बात यह हो गई कि ये गुप्तिकालीन नहीं है दस धर्म, स्पष्ट है। समितिषु प्रवर्तमानस्य स्पष्ट लिख रहे हैं कि समितियों में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो प्रमाद को दूर करने के लिए ये धर्म है दस धर्म। क्षमा धारण करेंगे तो फिर क्षमा के अभाव में जो कषाय पूर्ण प्रवृत्ति होती है ना, जैसे मान लो किसी बात पर क्रोध आ गया और क्षमा नहीं किया तो फिर प्रवृत्ति बदल जाती है, एकदम गुस्से में ऐसे पिच्छी उठा करके बिल्कुल निकल गए। तो ये जो प्रमाद है, प्रमाद 15 है और उसमें से ये क्रोध कषाय भी एक प्रमाद है, तो इस प्रमाद का परिहार करने के लिए ये धर्म वचन है। अब स्पष्ट हुआ कि क्षमा धर्म किस काम का है? तो क्षमा धर्म मुनि महाराज के लिए समितियों में दोष न लग जाए उस काम का है, ये 10 धर्म है। तो इससे क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है? संवर होता है, संवर होता है, ये बात तो स्पष्ट है क्योंकि संवर के ही 57 भेद हैं। लेकिन मोक्ष होता है क्या इससे? नहीं होता मोक्ष। मोक्ष शुक्ल ध्यान से होता है। पता है आपको कैसे होता है मोक्ष? जब तक साधु शुक्ल ध्यान में बैठकर श्रेणी पर आरूढ़ होकर कर्मों का क्षय नहीं करते तब तक मोक्ष कैसे हो सकता है? तो मोक्ष का कारण तो तप है, ये संवर है। तो इसलिए संवर सहायक अवश्य है लेकिन साक्षात मोक्ष देने वाला तो ध्यान है और ध्यान बिना ज्ञान के संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का जो साधन स्वाध्याय है उसको परम तप कहते हैं, क्योंकि स्वाध्याय से परम तप इसलिए है क्योंकि उससे
अज्ञान दूर होता है, और अज्ञान दूर होता है तो ज्ञान निर्मल होता है, ज्ञान निर्मल होता है तो ध्यान स्थिर होता है। ज्ञान से क्या क्या नहीं होता, सारे उल्टे काम ज्ञान से होते हैं और सारे सीधे काम भी ज्ञान से होते हैं। तो क्या 10 धर्म मोक्ष के कारण है, तो उसका उत्तर आया नहीं। रैणत्रयम च धम्मो, फिर आचार्य कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं कि रत्नत्रय भी धर्म है, और जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। जीव दया को भी धर्म कहते हैं, जीवों की रक्षा करने को भी धर्म कहते हैं। तो अब कौन से धर्म से मोक्ष होता है, क्योंकि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है कि मैं उस धर्म की देशना कर रहा हूं जो कर्मों का क्षय करता है और संसार के दुख से उठाकर प्राणियों को उत्तम सुख में धर देता है, धारण करता है। तो वो कौन सा धर्म है, तो आचार्य समंतभद्र स्वामी से ही अपन पूछते हैं कि हे गुरुवर, आप कृपा करके हम संसार में भटके हुए जीवों का कल्याण करने के लिए बताइए कि वो कौन सा धर्म है जिससे जीव संसार को पार कर लेता है। तो आचार्य कहते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदुः यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धतिः। सदृष्टि, सज्ञान, सद्वृत्त, जिसको तत्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र में क्या कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। देखो यहां ज्ञान शब्द तो ज्यों का त्यों है, लेकिन दर्शन के बदले दृष्टि लिखा है और चारित्र के बदले वृत्त लिखा है, अर्थ वही है। तो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा में जो तीसरे क्रमांक पर आया था, रैणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय, स्वामी कुमार कार्तिकेय उसको रत्नत्रय कह रहे हैं, आचार्य समंतभद्र स्वामी उसको धर्म कह रहे हैं, आचार्य उमा स्वामी उसको मोक्ष मार्ग कह रहे हैं। आ रहा है समझ में आपको? तीनों वचन अपन तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो आचार्य कुमार कार्तिकेय मुनि ने क्या कहा, रैणत्रयम च धम्मो, रत्नत्रय धर्म है। और यहां आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नत्रय को धर्म कहा है, बात एक ही हुई, उन्होंने रत्नत्रय कहा, यहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा। और तत्वार सूत्र में भी कुछ अलग नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पहले सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, बस उन्होंने धर्म के स्थान पर मोक्ष मार्ग कहा। तो मोक्ष मार्ग कह लो या धर्म कह लो, एक ही बात हुई कि नहीं हुई? जब मोक्ष मार्ग रत्नत्रय है और जब धर्म भी रत्नत्रय है, तो मोक्ष मार्ग इज इक्वल टू धर्म हुआ कि नहीं हुआ ना? एक बॉक्स में 5 आम हैं, दूसरे बॉक्स में 5 मैंगोज हैं, शब्द अलग है ना, वस्तु तो एक ही है ना। बस उसी प्रकार ये रत्नत्रय ही धर्म है और रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, ये बात एकदम स्पष्ट हो गई ना। और आचार्य कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, समंतभद्र स्वामी देखो कितने विनम्र हैं, बोले कि मैं नहीं कह रहा हूं, धर्मेश्वरा विदुः, ये तो धर्म के जो ईश्वर तीर्थंकर परमात्मा है वो जानते हैं कि रत्नत्रय ही धर्म है, मैं तो सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, उन्होंने जाना है इसको धर्म, तो वो मुझे, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि तीर्थंकर भगवान धर्म किसको जानते हैं, रत्नत्रय को। और उसके बाद एक बात और कह रहे हैं,
कि ये तो मोक्ष का मार्ग हो गया, ये तो धर्म हो गया, फिर उससे उल्टा क्या है, अधर्म क्या है, अथवा संसार का मार्ग क्या है, तो उसके बारे में भी लोगों के अलग अलग ख्यालात हैं, अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है दीक्षा लेना मोक्ष मार्ग है, कोई कहता है शादी करना संसार मार्ग है। तो ये अपनी अपनी भाषा है, पर आचार्य संबंधभद्र स्वामी क्या कहते हैं, यदि यप प्रत्यनीकानी, यदि यानी जिनके प्रत्यनीक यानी विपरीत उल्टे, भवंति भव पद्धति कुदृष्टिक ज्ञान वृत्तानि भव पद्धति भवंती। कुदृष्टि यानी मिथ्या दर्शन, कुज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, और कुवृत्त कुचारित्र यानी मिथ्या चारित्र, ये तीन भव पद्धति भवंती संसार मार्ग होते हैं। कितने अच्छी भाषा में, कितने अच्छे तरीके से आचार्य महाराज ने बात स्पष्ट कर दी कि देखो अब आपके सामने दो रास्ते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हो पहले सोच लो, फिर रास्ता तो बाद में आएगा, पहले आप लक्ष्य तो बना लो, क्या विचार है आपका, कहाँ जाना है, अगर बंधन से छूटना है तो फिर ये धर्म है, अगर बंधन में पड़ना है तो अधर्म है, क्या पसंद है देख लो। फिर प्रश्न आता है तत्र सम्यक दर्शन स्वरूपम व्याख्यातुम आह, सम्यक दर्शन के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए आह आचार्य कहते हैं। प्रभाचंद्र आचार्य ने संस्कृत टीका लिखी है, बड़े श्रद्धेय आचार्य हैं अपन सबके, और जो 700 वर्ष पूर्व प्रभाचंद्र आचार्य हुए हैं उनसे भिन्न है, ये विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद रहा है। एक विद्वान का कहना है कि ये प्रभाचंद्र आचार्य 700 वर्ष पूर्व हुए हैं, और एक विद्वान का कहना है कि नहीं, ये प्रभाचंद्र आचार्य उनसे बहुत पहले के हैं। तो ठीक है, विद्वानों में तो विचारों में अंतर होता ही है, वास्तव में देखा जाए तो सज्जनों में मतभेद होते हैं, दुर्जन हमेशा एक मत होते हैं। पर मतभेद होते हुए भी उनमें अवात्सल्य या अन्य दुर्भावनाएं नहीं होती, नहीं होने के कारण ही वो सज्जन कहलाते हैं, नहीं तो दुर्जन हो जाएंगे। तो सम्यक दर्शन बतलाते हैं आचार्य महाराज, श्रद्धानं परमार्थाना माप्ता गम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगं सम्यक दर्शनमस्मयम्। परमार्थानां आप्त आगम तपोभृताम श्रद्धानं सम्यक दर्शनम्। जो परमार्थभूत, परमार्थ का अर्थ होता है वास्तविक, जिनको अपन सच्चे बोलते हैं, जो परमार्थ भूत आप्त, आप्त का अर्थ होता है कि ऐसी आत्मा जिसने परमात्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, और जो तीर्थंकर के वैभव से संपन्न है, जो सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी तीनों विशेषताओं से युक्त हैं, वो आप्त कहलाते हैं। तो परमार्थभूत आप्त, वास्तविक आप्त, क्योंकि अपने अपने आराध्य को सभी लोग आप्त मानते हैं, सभी लोग परमात्मा मानते हैं, सभी लोग सच्चा मानते हैं, पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आगे इसमें कहने वाले हैं कि
क्या है, इनका वास्तविक स्वरूप क्या है वो बतलाएंगे। तो आप्त, फिर दूसरे नंबर पर आगम, देखो देव, फिर देव तो हो गए परमात्मा, और फिर आगम किसको कहते हैं, शास्त्र को कहते हैं, और फिर तपोभृत, तपोभृत का अर्थ होता है तप को धारण करने वाले, दीक्षा को धारण करने वाले। तप शब्द के दो अर्थ है, 12 प्रकार के तप को भी तप कहते हैं और दीक्षा को भी तप कहते हैं, क्योंकि दीक्षा लेने पर तप के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तो वो आधार हो गया दीक्षा, और तप जो है वो आधेय हो गया। तो आवश्यक है, दोनों आवश्यक है। एक गमला है, पॉट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर मिट्टी और उसमें आप बीज डालते हैं तो फिर पौधा उगता है, तो गमला आधार हो गया और वो जो उग रहा है वो आधेय हो गया। इसी तरह तपोभृत का अर्थ दीक्षाधारी होगा, जिन्होंने दीक्षा धारण की है वे, और परमार्थ भूत हो, ये तीनों अगर सच्चे हैं और आपको उन पर श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा को आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि दोपहर का जो स्वाध्याय था 3:30 बजे जो होता है, उसमें तो सम्यक दर्शन के बारे में अलग सूत्र दिया था, उसमें लिखा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और यहां कह रहे हैं कि आप्तागम तपोभृताम परमार्थानाम श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ये दो दो परिभाषाएं कैसे दे रहे हैं सम्यक दर्शन की? तो क्या आचार्यों में अलग अलग तरह के सम्यक दर्शन थे क्या, या अलग अलग व्याख्याएं थी क्या सम्यक दर्शन की? तो इस पर खोज करने से आप विभिन्न ग्रंथों में देखेंगे तो हमारे पास लगभग 22 से 25 ग्रंथों के संग्रह हैं, अलग अलग ग्रंथों के, संस्कृत प्राकृत ग्रंथों में कहां कहां सम्यक दर्शन को कैसे परिभाषित किया गया है, उनका संग्रह किया हमने। तो अलग अलग वो आचार्यों की शैली है अलग अलग तरीके से समझाने की, तो अनुयोगों के अनुसार वो जहां जिस अपेक्षा से समझाना आवश्यक है उस अपेक्षा से परिभाषित करते हैं। तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें तत्वार्थों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो तत्वार्थों पर ध्यान केंद्रित करके अगर अपन सम्यक दर्शन का विचार करते हैं तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कोई आपत्ति की बात नहीं है। और अब आचार पद्धति, ये चरणानुयोग ग्रंथ है रत्नकरंड श्रावकाचार, और इसमें अगर सम्यक दर्शन की बात आती है तो फिर आचार पद्धति जो है वो देवशास्त्र गुरु के अधीन है, तो सच्चे देवशास्त्र गुरु होंगे और उन पर आपकी श्रद्धा होगी तो आप सम्यक दृष्टि है, और वो जो श्रद्धा है वो सम्यक दर्शन है। पर सम्यक दर्शन कैसा होता है? तो त्रिमूढ़ा पोढ़म, तीन मूढ़ जो होते हैं उनसे रहित होता है। तीन मूढ़ताएं होती है उनसे सम्यक दर्शन रहित होता है। और कैसा होता है? अष्टांगम, 8 अंगों वाला होता है, उसके 8 अंग होते हैं। और अस्मयम, वो स्मय वाला नहीं होता, स्मय का अर्थ होता है मद, घमंड, अभिमान, तो 8 मदों से रहित होता है, ये सम्यक दर्शन की परिभाषा हो गई। फिर उसके बाद आप्त कौन है, यानी जिनेंद्र भगवान जो है, जो परमात्मा है उनको आप्त कहते हैं, सच्चे परमात्मा जो है उनको आप्त कहते हैं, तो वो कौन है, उनमें क्या विशेषता है कि उनको हम आप्त मान रहे हैं? तो उसका व्याख्यान आचार्य महाराज
आगामी सूत्र में, आगामी काव्य में करेंगे। आज अपन ने चौथे काव्य तक का स्वाध्याय किया है, इसके बाद वाले काव्यों का स्वाध्याय आगे चलता रहेगा। जैनम जयतु शासनम। ಸರದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ ಸಾರಾಂಶ. ವೀರಶಾಸನ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇಂದು ಎರಡನೇ ದಿನದ ಪ್ರವಚನ. ಸಮಂತಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಇಷ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ವಿನಾಶ ಮಾಡುವ ಸಮೀಚೀನ ಧರ್ಮದ ದೇಶನ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಸಂಸಾರ ದುಃಖದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುಖ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಳಿಸುವ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಸೂತ್ರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಂಗಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಗುಣವೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 10 ಜನ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಅನುಪ್ರೇಕ್ಷ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವಭಾವವೇ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಸ್ತು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಕರ್ಮ ದೂರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಷಮಾದಿತ ಭಾವಗಳು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದಶಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಈ ದಶಧರ್ಮಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸುಖದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ? ಆಗಮದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವಿದನ್ನು ಒಪ್ಪಬಹುದು, ಆದರೆ ದಶಧರ್ಮದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈವರೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೋಕ್ಷ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಅದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 57 ಆಶ್ರವಗಳಿವೆ, ಹಾಗೆಯೇ 57 ಸಂವರದ ಕೂಡ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಸಂವರದ ಸಾಧನೆಗೆ 5 ಸಮಿತಿಗಳು, 3 ಗುಪ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟ ಪ್ರವಚನ ಮಾತ್ರಿಕಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂವರದ ಭೇದಗಳ ಆಗಮದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರುವಾಗ ಸಂವರದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗವೇ 3 ಗುಪ್ತಿಗಳು. ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ 5 ಸಮಿತಿಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಗುಪ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಮಾದ ದೂರ ಮಾಡಲು ಈ ದಶಧರ್ಮಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಿತವಾಗಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ, ಸಂವರವಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮೋಕ್ಷ ಶುಕ್ಲ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಧ್ಯಾನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪರಮತಪ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು? ಆಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಆಚಾರ್ಯ ಮುನಿಗಳು ರಯಣತ್ರಯಂಚ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ರತ್ನತ್ರಯವೇ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಂತಭದ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ ಜ್ಞಾನ ಚಾರಿತ್ರವನ್ನು ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಉಮಾಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ವಿವಿಧ ವರ್ಣನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ತೀರ್ಥಂಕರ ಭಗವಂತರು ರತ್ನತ್ರಯವನ್ನೇ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿ ಮಾರ್ಗವೇ ಸಂಸಾರದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವಿರಬೇಕು. ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಜ್ಜನರಲ್ಲೇ ಮತಭೇದವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ, ದುರ್ಜನರು ಒಂದೇ ಮತದವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 12 ಪ್ರಕಾರದ ತಪಗಳನ್ನು ತಪ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಪ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಪೋವ್ರತರ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಇಂದು ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶುಲ್ಲಕ 105 ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ.